हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 18 इंग्लिश के न्यू वर्ड सिखाने वाली हूँ जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे वर्ड्स बहुत ही गोल्डन वर्ड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो हमारा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, आज का सबसे पहला वर्ड है फॉरबिड। फॉरबिड का अर्थ होता है हिंदी में मना करना, किसी काम को लेकर के मना करना होता है फॉरबिड, ठीक है। सेकेंड वर्ड है फीवरिश। फीवरिश मतलब होता है बुखार जैसा। अगर किसी व्यक्ति को बुखार जैसा लग रहा हो तो वो बोल सकता है आई एम फीलिंग फीवरिश, यानी कि मुझे बुखार जैसा लग रहा है, ठीक है। तीसरा वर्ड है लीन। लीन मतलब होता है सहारा लेना। अगर किसी व्यक्ति का सहारा आप लेते हैं तो वो होता है लीन। फोर्थ वर्ड है रिंग आउट। रिंग आउट का मतलब होता है निचोड़ना। फिफ्थ वर्ड है एलोप। एलोप मतलब होता है भागकर शादी करना। कोई व्यक्ति अगर भागकर शादी करता है तो उसको हम एलोप बोलते हैं। सिक्स्थ वर्ड है पुट डाउन। पुट डाउन मतलब होता है नीचा दिखाना। अगर किसी व्यक्ति को आप नीचा दिखाते हैं या कोई आपको नीचा दिखाता है तो उसको हम कहते हैं पुट डाउन। सेवेंथ वर्ड है इजेकुलेट। इजेकुलेट मतलब होता है बोली लगाना। एट्थ वर्ड है फायर ब्रेक। फायर ब्रेकआउट का मतलब होता है आग लगाना। आग लगाना को हम इंग्लिश में फायर ब्रेकआउट बोलते हैं। नाइन्थ वर्ड है डिफर। डिफर का मतलब होता है टालना। अगर किसी काम को आप टाल रहे हैं तो उसको आप डिफर कर रहे हैं इंग्लिश में। टेंथ वर्ड है फुजिटिव। फुजिटिव मतलब होता है भगोड़ा। इलेवेंथ वर्ड होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, मतलब इन्फ्लेशन। ट्वेल्थ वर्ड है न्यूज। न्यूज मतलब होता है फंदा। थर्टीन्थ वर्ड है बेटर हाफ। बेटर हाफ मतलब होता है पत्नी। फोर्टीन्थ वर्ड है लवेबल। लवेबल मतलब होता है प्यारा। कोई व्यक्ति आपका अगर प्यारा है या आप किसी के प्यारे हैं तो वो लवेबल होगा। फिफ्टीन्थ वर्ड है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मतलब होता है अजीब। कुछ भी काम अगर अजीब आपको लगता है तो वो पेक्यूलियर हो गया। सिक्सटीन्थ वर्ड है गेज। गेज मतलब होता है घूरना। सेवेंटीन्थ वर्ड है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मतलब होता है तूफान। एटीन्थ वर्ड है हमारा क्रेमेटोफोबिया। क्रेमेटोफोबिया एक डर होता है जो कि पैसों को लेकर के होता है। अगर आप पैसों को लेकर के बहुत ही अति चिंतित होते हैं तो वो क्रेमेटोफोबिया होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था कुछ आज इंग्लिश का वर्ड, टॉप 18 न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।